हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने एक पार्ट इसका पढ़ लिया है, उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू ICCU, ICU, NICU एंड इमरजेंसी वार्ड। यानी इमरजेंसी वार्ड हो गया और ये ICU, NICU और ICCU, इन तक ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे डिस्पेंस किया जाता है, ये जो वार्ड्स हैं यहाँ पे दवा कैसे पहुँचाई जाती है, क्या सिस्टम है, कैसे स्टोर किया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ें, हम ये समझते हैं कि ICU क्या होता है, ICU क्या होता है, ऐसी NICU क्या होता है, इमरजेंसी वार्ड क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन तक दवा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड यूनिट या डिपार्टमेंट, याद रखिएगा यूनिट का मतलब समझ लीजिए डिपार्टमेंट है। तो देयर आर सम स्पेशलाइज्ड यूनिट और डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल विच आर रिजर्व फॉर दोज पेशेंट आर इन अ सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन एंड रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग एंड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो खास होते हैं, रिजर्व होते हैं, फिक्स होते हैं सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए जिनकी हालत बहुत ख़राब है या बहुत इमरजेंसी कंडीशन में है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, या उनकी बीमारी जो है वो बहुत क्या है, गंभीर है, बहुत डेंजरस है। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या है, कुछ इंटेंसिव केयर होते हैं। इंटेंसिव मतलब बहुत ध्यान से उनका इलाज किया जाता है। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, यानी समझ लिए कि बहुत ध्यान से, बहुत इंटेंशन लगा के इलाज करना पड़ता है उनका। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, हॉस्पिटल के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स फिक्स कर दिए हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही पेशेंट जाएंगे, नॉर्मल जो जनरल पेशेंट होते हैं वो नहीं जाएंगे, वरना तो वहाँ पे भीड़ हो जाएगी और जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन पे ध्यान नहीं दिया जा पाएगा। तो अब वो क्या है डिपार्टमेंट, तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सम स्पेशलाइज्ड यूनिट्स आर गिवन बिलो, तो कुछ जो खास डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ICU, आपने कई बार सुना होगा। तो आइस कहते हैं कि वो आदमी जो है, वो हमारा भाई, वो जो हमारे गांव का एक पेशेंट था वो ICU में है। तो ICU का मतलब क्या होता है, तो ICU को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या बोलते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। तो क्या होता है ICU, तो ICU इज़ ए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या यूनिट फॉर क्रिटिकली इल पेशेंट। तो ICU जो है वो उन पेशेंट के लिए जो क्रिटिकली, यानी बहुत गंभीर रूप से क्या है, वो बीमार हैं और उनको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के इलाज करने की ज़रूरत है, तो ऐसे पेशेंट को इंटेंसिव केयर दिया जाता है। ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, ICU के अंदर रखते हैं। अब दूसरा क्या है, ICCU, तो इसका मतलब इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। तो इसका क्या, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट। आप यहाँ पे कोरोनरी देख रहे हैं तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये हार्ट से रिलेटेड है, और फिर यहाँ पे कार्डियक आ गया तो इसका मतलब भी हार्ट होता है। तो अब क्या है ICCU, तो ICCU डिपार्टमेंट इज रिजर्व्ड फॉर पेशेंट हैविंग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ये जो डिपार्टमेंट है ICCU, ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए रिजर्व है, यानी उनके लिए उसको बचा के रखा जाता है, फिक्स कर रखा है कि इसमें सिर्फ वो पेशेंट जाएंगे जो क्या है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी जिनको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, ऐसे ही क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या हार्ट की जगह आप लिख दीजिए आर्टरीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज। तो जो हमारे हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं उसको हम लोग बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसमें ब्लॉकेज हो गया, ऐसे ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस, तो इस तरह के जो बीमार है जिनका हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो उन लोगों को इसमें उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। और चौथा, तीसरा क्या है, NICU, इसका मतलब होता है न्यूनेटल या न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये उन बच्चों के लिए है जो न्यूबॉर्न है, यानी अभी बच्चे वो पैदा हुए हैं तो उनके लिए होता है, यानी ऐसे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं और वो बीमार हैं, या वो बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म, क्या बोलते हैं, प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबीज़,
जैसे कि मान लीजिए उमूमन जो बच्चे पैदा होते हैं वो 9 महीने में होते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा 7 महीने में पैदा हो गया तो उसके जो बॉडी के तमाम फंक्शन है, जो बॉडी के तमाम पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए होंगे। तो उनको क्या है, इंटेंसिव केयर में रखा जाता है, उनको ऑक्सीजन देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाएंगे। तो ये जो होता है NICU, ये उन बच्चों के लिए होता है जो न्यू बोर्न है, ठीक। अब एक होता है इमरजेंसी वार्ड, तो ये कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है। दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिसिन फॉर पेशेंट अराइव विदाउट एन अपॉइंटमेंट। तो ये इमरजेंसी वार्ड क्या होता है, तो इमरजेंसी वार्ड में क्या होता है, इमरजेंसी मेडिसिन या मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है उन पेशेंट के लिए जो कि विदाउट किसी अपॉइंटमेंट के आते हैं। उमूमन इमरजेंसी में जो पेशेंट आते हैं वो कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं आते हैं, बल्कि एकदम से इमरजेंसी कोई कंडीशन हुई और फौरन वो आ जाते हैं। वहाँ पे इतना वो नहीं होता कि पर्चा भरा जाए, नाम लिखा जाए, अपॉइंटमेंट लेंगे डॉक्टर के पास आने के लिए, तब तक पता चला कि वो लुढ़क गए बेचारे। तो इसलिए यहाँ पे जो आते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट के आते हैं, उनका कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिया जाता पहले। और इसमें इमरजेंसी मेडिसिन होती है, जैसे कि मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो एकदम से उसको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें दवा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसीज होते हैं, तो क्या सिस्टम होता है यहाँ पे दवा को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो देखते हैं कि इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स ड्रग आर अवेलेबल ऑलरेडी। तो ये जो यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा कि ICU, NICU, ऐसे ICU इमरजेंसी वार्ड, तो यहाँ पे क्या है, दवा पहले से मौजूद होती है। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, अब उसकी कंडीशन देख रहे हैं, उसके बाद दवा बाहर से मंगा रहे हैं फार्मेसी से, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें दवा पहले से ला के रख दी जाती है, यानी छोटा सा एक समझ लीजिए फार्मेसी इसके अंदर बना दी जाती है और दवा पहले से उसमें क्या है अवेलेबल रखते हैं। और उसमें ये नहीं कि बहुत सारी 50,000 दवाएं रखते हैं, बल्कि जो बहुत ख़ास दवाएं होती हैं, सर्टेन ड्रग्स ही रखी जाती हैं जिनकी ज़रूरत आमतौर से पड़ सकती है। तो वही है यहाँ पे कि ओनली सम सर्टेन एंड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स स्टोर्ड हेयर, और यहाँ पे सिर्फ कुछ खास और बहुत कम क्वांटिटी में दवाएं यहाँ पे रखी जाती हैं, जब खत्म हो जाती है फिर दूसरी ला के रख दी जाती हैं। एंड दे आर पैक्ड इन सिंगल यूनिट कंटेनर, और उनको क्या करते हैं, यहाँ पे जो दवाएं होती हैं वो सिंगल यूनिट कंटेनर के अंदर पैक्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई इंजेक्शन है, तो वो इंजेक्शन का एम्प्यूल है, तो उसको क्या करते हैं, वो शीशे के अंदर, मान लीजिए शीशे वाली शीशी उसके अंदर है, अब उसको फिर ऊपर से एक कागज़ का जो बॉक्स होता है उसके अंदर रखा जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं इसमें ऐसा नहीं होता है कि चार चार कवर के अंदर उसको रखा गया, बल्कि डब्बे उब्बे जितने सबको खाली करके सिर्फ एम्प्यूल रखा जाता है। और बल्कि यह भी होता है कि जो जहर वाली सुइयाँ, जो सांप काटने की या इस टाइप की जो सुइयाँ होती हैं, उसको क्या है इंजेक्शन में भर के रखा जाता है, ताकि वो भी टाइम ना लगे, आते ही फौरन पेशेंट को लगा दिया जाए। तो यही कह रहे हैं कि जो दवाएं यहाँ पे होती हैं उनको सिंगल कंटेनर में रखा जाता है, यानी कि उसमें तीन तीन कवर में लिपटे हुए, उसको खोलने में टाइम लग रहा है, ढूंढने में टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। एंड लोकेशन आर फिक्स्ड फॉर स्टोरेज ऑफ IV सॉल्यूशन फॉर सर्टेन ड्रग्स। और ये कह रहे हैं कि कुछ खास दवाओं के जो IV सॉल्यूशन यानी जो इंजेक्शन वगैरह हैं, तो उनके जगह भी फिक्स होती है। तो मान लीजिए किसी को सांप काट लिया, तो उसके लिए जो दवा देते हैं तो उसकी जगह फिक्स कर रखी, उसको यहाँ रखेंगे। ऐसे किसी ने जहर खा लिया हो तो उसके लिए जो दवा देते हैं तो वो उन्होंने जगह बना रखी, उसको यहाँ रखेंगे। तो लोकेशन फिक्स होता है ताकि ढूंढना ना पड़े, फौरन आदमी वहीं से जाए और उठा के फौरन इंजेक्शन लगा दे। तो ये है इसका मतलब। तो इस तरीके से क्या है, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन इमरजेंसी वार्ड की तरफ, ठीक।